हेलो एवरीवन। तो गाइस आज फाइनली हमने रॉड का लेवलियर गो जो माइक है, प्रोफेशनल वियरेबल माइक्रोफोन है, ये ले लिया है। तो इसमें पहली चीज़ हमें एक तो वाइट कलर मिला। आई वॉज प्रेफरिंग टू बाय ब्लैक, बट अमेजोन से ब्लैक अवेलेबल नहीं था और वाइट की कॉस्ट थी 4500 समथिंग, बट 4500 का पड़ा। तो मैंने बिना सोचे ऑर्डर कर दिया, क्योंकि दो तीन बंदों से जिससे भी मैंने पूछा था, एवरीवन टोल्ड मी कि ये 5500, 6000, 5000 इसके आसपास रिवॉल्व करता है। तो आई गॉट दिस फॉर 4500। और इससे पहले मैं यूज़ कर रहा था JBL का माइक। ये मेरा कुछ सेटअप था हेलमेट का, ये मैंने ऐसे ही बस हेलमेट के चेन पे माउंट किया हुआ था, 3 पिन वाला। सो GoPro सपोर्ट्स 2 पिन वाला बेटर, मतलब ये वाला भी सपोर्ट हो जाता है अगर पावर्ड है तो। इसका बहुत मतलब सीन है GoPro का, तो GoPro एक्सेप्ट करता है ये 3 पिन है, जैसे वो एक्सेप्ट करता है 2 पिन वाला। और अगर 2 पिन वाला नहीं है, 3 पिन वाला है और पावर वाला है, मतलब इसमें सेल डलता है, इसमें सेल नहीं डलता, तो अगर ये पावर वाला है तो ये 3 वाला भी एक्सेप्ट करता है। बट जिनसे भी मेरी बात हुई, एवरीवन टोल्ड मी कि JBL वाला नहीं वर्क कर रहा अच्छे से। और उसमें से 2 बंदों ने मुझे सजेस्ट किया कि ये लेना ही पड़ेगा, बाकी सब में कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे हैं। फिर तो मैंने और बहुत लोगों की वीडियोस देखी जिसमें नहीं आ रहे, लोग लिटरली 300 रुपये के माइक से भी इतनी अच्छी वीडियोस बना रहे हैं, बट मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे करूं। तो आई हैव टू बाय दिस, क्योंकि मैं बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहा था और अभी कुछ राइड्स भी आने वाली हैं, तो मुझे था कि यार वो ख़राब ना हो। तो आई इन्वेस्टेड इन दिस, 4500 का पड़ा जैसे मैंने बताया। इसकी एक छोटी सी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें, डिज़ाइन एंड मेड इन ऑस्ट्रेलिया। सो नॉर्मली डिज़ाइंड इन पर्टिकुलर कंट्री होता है, मेड इन चाइना होता है, तो ये डिज़ाइन एंड मेड इन ऑस्ट्रेलिया ओनली, ऑस्ट्रेलियन मेड एंड ओन्ड। सो बेसिकली रॉड इज़ अ ऑस्ट्रेलियन कंपनी, कौन सा मॉडल है एंड ऑल। और ये कुछ फीचर्स हैं इसके पीछे छुपे हैं, ओमनी डायरेक्शनल है, छोटा है, क्लियर एंड ब्रॉडकास्ट समथिंग कुछ तो लिखा है, और ये अलग कुछ लैंग्वेज में लिखा हुआ फिर। और हाँ मेजरली यही है। होता है इसका। तो गाइस अगर ये किसी को बाय चांस पसंद आ रहा हो तो ये आई डोंट नो कहाँ कहाँ मिलता है, बट धर्मशाला भागसू वाटरफॉल के नीचे जो से पहले जो ट्रैक से पहले जो मार्केट है वहाँ मिलता है बहुत सही प्राइस पे। तो ये वाला मुझे डिस्काउंट के बाद मिला, बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिला उस पर, 200 का मिल गया है, उसमें 300 समथिंग मिला था। सो हाँ तो ये देख ले कहाँ से खुलेगा, ज़्यादा कुछ है नहीं, ऐसे ही खुलेगा ये। थोड़ी पैकेजिंग ख़राब ना हो तो इसको इससे हटा देते हैं वरना फट जाएगा। अल हो गई पैकेजिंग। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ओके और कुछ नहीं अंदर। एक क्लिप है, ये चूहे मारने की दवाई, और ये मेन माइक बहुत छोटू सा यार, इसको फिट करते हैं कैमरे में और एक बार रिकॉर्ड करके देखते हैं कैसी रिकॉर्डिंग आती है, कैसी वॉइस आती है। तो मैं इसमें अभी JBL की भी डालूंगा जो मेरे पुरानी पड़ी है, और ये वाली भी डालूंगा, तो देखते हैं कौन सी अच्छी आ रही है। इसमें निकाल देता हूँ क्या होगा। सो ये मेरा हेलमेट है, हेलमेट के यहाँ पर सारे बेस कनेक्टेड, मतलब ये सब यहीं पर था, टेप से और थोड़ा जुगाड़ करके जुड़ा हुआ था। और जो मेन माइक है, ये छोटा सा स्पॉट है, ये वहाँ डाला होता तो इसके पीछे छुप रहा था, तो उसमें विंड नॉइज़ भी काफ़ी कम आ रही थी और बाकी चीज़ें भी मतलब डिसेंट थी, बट स्टिल उसमें वॉइस बहुत ज़्यादा लाउड थी, तो फट रही थी वॉइस, वॉइस पिच हाई जा रहा था, तो वही सबके उसमें प्रॉब्लम आ रहा था। तो उसकी से उसके कारण उसकी वजह से एक रॉड का माइक लिया। तो भाई लोग हम जा रहे हैं बाइक में टायर लगवाने, टायर लगवाने और अलाइनमेंट करवाने, मैं और शौर्या दोनों। उसकी है GT 650, ये निकला मेरी इंटरसेप्टर, दोनों में C8 का सेम टायर लगना है और अलाइनमेंट होनी है। लेट है, अगर 7 बज चुके हैं, देखते हैं आज काम हो जाए तो बढ़िया। अभी वाइजर खुला हुआ है, स्पीड है ऑलमोस्ट 60 की, तो कैसी आवाज़ आ रही है अभी ये हम देखते हैं वापस जाकर। और मुझे लग रहा है आगे तेरी तो आगे इसकी स्क्रीन खुली हुई है, स्क्रीन खुली हुई है तभी सारे लोग देख रहे हैं जो भी थोड़े बहुत हैं। और अभी मेरे इसका वाइज़र भी खुला हुआ है और
और अब वाइजर बंद है और स्पीड है वही 50 के आसपास। तो भाई लोग, अभी आपने ये जो पूरी वीडियो देखी, इसमें माइक की अनबॉक्सिंग हो गई और बेसिकली ये मैं रिव्यू वीडियो भी है, ये मैं एंड में पार्ट ऐड करूँ क्योंकि बहुत टाइम से मुझे एडिटिंग का टाइम नहीं मिला था। ये मैंने आई गेस ऑलमोस्ट 2 हफ्ते पहले माइक की अनबॉक्सिंग का यूज़ किया था, तो 2 हफ्ते बाद मैंने अच्छा खासा यूज़ किया माइक। अभी पिछले 3 दिन में मैं दिल्ली से बद्रीनाथ ऋषिकेश और वापस आया हूँ, तो उसमें पूरा टाइम माइक यूज़ किया और एकदम परफेक्ट क्वालिटी आई है। और मेरी अभी तक की जितनी भी प्रॉब्लम थी वो सब सॉल्व है। और किसी को भी अगर अपग्रेड करना है या जिसकी ठीक आवाज़ नहीं आ रही, तो ठीक आवाज़ आपकी हो सकता है JBL माइक में भी ना आ रही हो, या जो 300 के कुछ माउना वगैरह कुछ कुछ कंपनीज के माइक हैं उसमें भी बहुत टक टक का कुछ इशू है, बहुत डिस्टर्बेंस आता है। इस वाले माइक में आवाज़ फट रही है, बहुत ओवर जा रही है, तो उसके मैंने सब जुगाड़ करके देख लिया, हेलमेट में पीछे डाल लिया, ऊपर डाल लिया, नीचे डाल लिया, वाइज़र बंद करके डाल लिया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा कैप लगा ली, तब भी कुछ नहीं हुआ। सो ये परफेक्ट एक बैठा, मतलब ये माइक प्लग एंड प्ले वाला किया, कहीं भी लगा दो बिल्कुल, अभी मेरे मुंह के एकदम सामने जो चेन होता आगे का उस पर लगा हुआ है माइक। मैं अभी आपको हेलमेट पे दिखा दूँ, चलते जाओ वॉइस रिकॉर्ड करते जाओ, सॉर्टेड। तो ठीक है यार, अगर ये वीडियो पसंद आई हो, कुछ भी इस वीडियो से सीखने को मिला हो, कुछ और क्वेश्चंस हो तो कमेंट करना, और ये वीडियो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो मोटो व्लॉग करते हैं, जिसको माइक की ज़रूरत है। और कुछ भी इस वीडियो से रिलेटेड कुछ कमेंट्स हैं, इस माइक से रिलेटेड है, JBL के माइक से हैं, तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते। बाय बाय। तो अभी हेलमेट अभी साफ़ नहीं किया बिल्कुल भी ऐसे का, ये अभी कुछ हालत है हेलमेट की और GoPro की, क्योंकि अभी ट्रिप से होकर आया, तो उसके बाद से हमने कुछ, मतलब एक्चुअली कल रात को मैं पहुंचा और आज ही मेरी वीडियो कुछ कुछ थी जो एडिट कर रहा था, ये सीन है। और माइक अंदर लगा हुआ है, ये वाइट कलर का रॉड का, इसके ऊपर ब्लैक कलर का एक्स्ट्रा डी कैट लगाया हुआ है, डी कैट ही बोलते हैं इसको, और ऑल दोस्त कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैंने ऐसे लगा दिया कि जो एक ओरिजिनल वाइट है उसके ऊपर एक बार लगा दिया, क्योंकि थोड़ी आवाज़ कम है कि मैं जल्दी तेज़ बोलता हूँ, वॉल्यूम मेरी हाई है, तो एक उसके लिए ताकि वो गंदा ना। बाकी बस ये ऐसे बस पड़ा हुआ है, इसको भी और अच्छे से फिटिंग कर देंगे, अभी वॉश करना पूरा हेलमेट, तो हमारे बस ये है पूरा गंदा हो रखा अच्छे से। ठीक है भाई लोग, मिलते हैं किसी बढ़िया सी नेक्स्ट वीडियो में।